लेनोवो की के सीरीज काफी सक्सेसफुल रही है। अब अगर आप लास्ट ईयर देखें तो ये K3 नोट से शुरू हुई थी और K4 नोट और K5 नोट ने इसे आगे बढ़ाया था, लेकिन इस बार लेनोवो ने कुछ अलग किया है। यानी लेनोवो ने K6 नोट ना लॉन्च करके एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन लॉन्च किया है जिसका नाम है लेनोवो K6 पावर। अब जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये एक बैटरी सेंट्रिक फोन है और अगर आप इस फोन को फर्स्ट लुक में देखेंगे तो ये काफी स्मार्ट और स्टाइलिश लग रहा है, पर 9,999 रुपए की कीमत में देखते हैं कि क्या यह फोन पैसा वसूल है या नहीं। अब अगर शुरुआत लुक्स और डिजाइन से करें तो ये फोन देखने में काफी हद तक लेनोवो K5 की तरह ही लगता है, क्योंकि ये भी एक फुल मेटल बॉडी फोन है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार इसके एजेस को ज्यादा राउंड कर दिया गया है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी इंप्रूव लग रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है, इसलिए जब आप इस फोन को पकड़ेंगे तो आपको एक कंफर्टेबल ग्रिप मिलेगी और एक नाइस फील भी मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसके स्पेक्स को भूल जाएं तो इस फोन को पकड़ते ही आप भी चाहेंगे कि आप इस फोन को खरीद लें। इसके पोर्ट प्लेसमेंट्स की बात करें तो वो एक रेगुलर एंड्रॉइड फोन की तरह लगते हैं और इसका फिंगरप्रिंट सेंसर इसके बैक में दिया है जो कि काफी रिस्पॉन्सिव है और आप इसकी एक्यूरेसी से बिल्कुल निराश नहीं होंगे। ओवरऑल ये फोन काफी हद तक अपने कॉम्पिटिटर Xiaomi Redmi 3S की तरह भी लगता है। अब हालांकि इस प्राइस सेगमेंट में आपको यूजुअली HD रेजोल्यूशन वाले फोन्स मिलते हैं, लेकिन लेनोवो इस टैग को चेंज करना चाहता है और इसलिए लेनोवो आपको इसमें फुल HD IPS डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है जो कि ब्राइट है, वाइब्रेंट है और काफ़ी शार्प भी है। और इस फोन की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको डॉल्बी एटमोस साउंड टेक्नोलॉजी मिल रही है, यानी इसका फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले और इसकी साउंड टेक्नोलॉजी आपके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और भी एनहांस कर देगी। साथ साथ आपको बता दूं कि ये फोन इस प्राइस सेगमेंट में सबसे लाउड और क्लियर साउंड आउटपुट देता है। अभी तक लेनोवो के फोन्स में आपको वाइब यूआई मिलता था, लेकिन इस फोन से लेनोवो आपको प्योर यूआई मुहैया करा रहा है जो कि मार्शमेलो पे आधारित है और ये आपको एक स्टॉक एंड्रॉइड की फील देगा। अब माना कि इसके आइकन्स कस्टमाइज्ड हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन डाल के इसे क्लटर नहीं किया गया। साथ ही साथ इसमें आपको डुअल प्रोफाइल्स का ऑप्शन भी मिलेगा, यानी आप इसमें व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी ऐप्स के दो अलग अलग अकाउंट्स यूज कर सकते हैं। और रही बात स्टोरेज की, तो इसमें आपको 32 GB की इंटरनल मेमोरी मिलेगी जिसको आप 256 GB तक एक्सपैंड कर पाएंगे। कहने को इस फोन में आपको 13 MP का रेयर कैमरा मिल रहा है, लेकिन जब मैंने इस फोन से पिक्चर्स क्लिक करी तो आउटडोर लाइटिंग कंडीशंस हो, इंडोर लाइटिंग कंडीशंस हो या फिर लो लाइटिंग कंडीशन हो, सभी कंडीशन में पिक्चर्स में एक तो डिटेलिंग कमी थी, साथ ही साथ काफ़ी ग्रेन्स भी थे और जो कलर्स थे वो प्रॉपरली सैचुरेटेड नहीं थे। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा कि Xiaomi Redmi 3S Pro का कैमरा थोड़ा सा ही सही लेकिन इससे बेहतर है, पर जब बात आती है फ्रंट कैमरा की तो इसका 8 MP का सेल्फी कैमरा आपको सभी लाइटिंग कंडीशन में एक कलरफुल और डिटेल पिक्चर क्वालिटी देता है। अब इस फोन के कैमरा यूआई की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये फोन आपको एक स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील देता है, इसलिए इस फोन का कैमरा यूआई भी एकदम नीट और क्लीन है, बहुत ज्यादा क्लटर नहीं है, आपको इसको यूज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप कोई फ़ोन परफॉर्मेंस के लिए लेना चाहते हैं तो ये डिवाइस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें दिया है Qualcomm Snapdragon 430 प्रोसेसर और 3 GB की रैम, जिससे आपकी सभी बेसिक नीड्स तो पूरी हो जाएंगी, यानी रोज़मर्रा के कामकाज और मल्टीटास्किंग। लेकिन अगर आपको हैवी ग्राफिक गेम्स जैसे एसवेल्ट, मॉडर्न कॉम्बैट और रिप्टाइड 2 गेम खेलनी है तो आपको गेम के ग्राफिक्स कम करने पड़ेंगे। साथ ही साथ बैटरी की बात करें तो फुल HD डिस्प्ले होने के बावजूद भी इसकी 4000 mAh की बैटरी 1.5 से 2 दिन मीडियम यूसेज पर आसानी से चल जाएगी। और इसकी बैटरी का प्लस पॉइंट यह है कि आप इस फोन को एक पावर बैंक की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब बात आती है बजट की, तो ये फोन साफ साफ Xiaomi Redmi 3S Prime और Xiaomi Redmi Note 3 का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। अब अगर हम इसको Xiaomi Redmi 3S Prime से कंपेयर करें तो इसमें 1000 रुपये एक्स्ट्रा देके आपको फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिलेगा, आपको इसमें डॉल्बी एटमोस साउंड टेक्नोलॉजी मिलेगी और साथ साथ इसमें थिएटर मैक्स टेक्नोलॉजी मिलेगी, यानी आप इसमें किसी भी गेम या किसी भी वीडियो को इसके कंपैटिबल वियर हेडसेट में यूज़ कर पाएंगे। और अगर हम इस फोन को Xiaomi Redmi Note 3 से कंपेयर करें तो माना कि Xiaomi Redmi Note 3 में आपको एक पावरफुल प्रोसेसर मिल रहा है, यानी Snapdragon 820 प्रोसेसर मिल रहा है, लेकिन उसमें आपको 2 GB रैम मिलती है जो कि इसके सामने कमज़ोर है। साथ ही साथ वो एक फैबलेट कैटेगरी का फ़ोन है, यानी 5.5 इंच का फ़ोन है। और अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लेनोवो K6 पावर खरीदें, क्योंकि पहला रीज़न ये है कि ये एक कॉम्पैक्ट फ़ोन है, आपके हाथ में आसानी से फिट हो जाएगा, आपको इसको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा रीज़न ये है कि आप इस फोन को कभी भी खरीद सकते हैं, आपको किसी भी फ्लैश सेल की वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा रीज़न ये है कि इस फोन को खरीदने के बाद आपको आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छे से मिलेगी।
तो यह था K6 Power का एक फुल फ्लेज्ड रिव्यू। अगर आपको फिर भी इस फोन को लेकर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और जाने से पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनली चैट करना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर पर मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @KeshavKhera। Until then, this is Keshav Khera signing off.